हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, विच इज अ कंटिन्यूएशन टॉपिक ऑफ द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स बिगिन। इन आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमने एरिस्टोटल की बात की थी। हमने बात किया कि अलग अलग तरह की कैटेगरीज में हम एनिमल्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं या नहीं, या वो डिपेंडेंट हैं, या फॉर यूकैरियोटिक हैं, या प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एटसेट्रा। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन आर कनेक्टेड एंड हाउ दे आर कनेक्टेड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन की हमने बेसिस की बात कर ली है ऑलरेडी। लेट्स टॉक अबाउट इवोल्यूशन। ओके, कि इवोल्यूशन क्या होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम इवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं तो इवोल्यूशन जो होता है बेसिकली ये क्या है, एक्यूमुलेटेड चेंज किस चीज का। हम जब कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है ना, तो दैट मीन्स कि वो इवॉल्व एक साल, दो साल, एक दिन, दो दिन में नहीं होते हैं, दे टेक टाइम। तो वो जो इवोल्यूशन होता है दैट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, ये बहुत लंबे टाइम में हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग प्रोसीजर है, ये जो लॉन्ग प्रोसेस है इवोल्यूशन का, उसको होने में जो वक्त लगा है उसके बेसिस पे क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस होती है हमारे अंदर। वो मॉडिफिकेशन कैन बी फॉर पॉजिटिव थिंग एंड दैट कैन बी फॉर नेगेटिव थिंग ऑल्सो। तो ये जो इवोल्यूशन है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में जब हमें पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है क्लास 10th में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। स्टिल अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानना है, आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर क्लास 10th का वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। There you will get to know कि evolution क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसमें changes आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, right? So we are talking about कि classification और evolution को हम कैसे correlate करते हैं, यानी जैसे जैसे species evolve होगा, यानी कि say for example हम जब बात करते हैं कि prokaryote से हम क्या हुए, हमारे पास क्या हुआ, prokaryote to eukaryote हुए organisms, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे बोल रहे थे कि ये प्रिमिटिव इनका न्यूक्लियस है, यही बात की थी हमने लास्ट वीडियो में, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव था, और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये न्यूक्लियस जो है ये ट्रू न्यूक्लियस बना। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, हमने सेल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था ना कि अगर ये सेल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री होती है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम पड़ा हुआ होता है, डीएनए मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस की है अपने प्रीवियस चैप्टर में, तो हम उस डिटेल में ऑफकोर्स नहीं जाना चाहेंगे। हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू से कि यानी क्लासिफिकेशन में जब हम देखेंगे तो हम प्रोकैरियोट्स को ये मानेंगे कि ये प्रिमिटिव है, यानी ये पहले आए। ठीक है, यानी इवोल्यूशन के टर्म्स में जब हम क्लासिफिकेशन को एक बार कंपेयर करेंगे तो देन वी कैन से कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स केम फर्स्ट, ऑलराइट। उसके बाद कौन आए, यूकैरियोट्स, यानी इनका जो भी फंक्शनिंग था, जो भी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक पाथवेज था, वो सारा क्या था, वो प्रिमिटिव था। इनका क्या है, इनका एडवांस है। तो ये यहां से यहां तक ट्रैवल करने का जो इनका टाइम रहा, यानी प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक आने का, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक आने का, आप समझ रहे हैं कि हम जो है, हम एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम अगर बैक्टीरिया से खुद को कंपेयर करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने आप को ही कंपेयर कर लें बैक्टीरिया से, दिस इज जस्ट अ बेसिक क्लास आपको जस्ट समझाने के लिए है कि हम कैसे क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन को कंपेयर करते हैं, या उनके बीच में क्या कोरिलेशंस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं, वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, इनको आप नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं, दे आर वेरी वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन का क्या है, आप इनको देख सकते हैं नेकेड आई से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो बॉडी साइज है वो क्या है, लार्जर है इन कंपेरिजन टू दीज बैक्टीरियाज। ओके, सो वॉट माई पॉइंट हियर इज कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें जो एक डॉट से भी छोटा है, यानी हम देख ही नहीं सकते, और हम अगर लिविंग तो ये भी है, लिविंग हम भी हैं, तो हाउ कम सो दे आर सर्वाइविंग एट दैट बेसिक पाथवेज। सो दैट्स द पॉइंट कि विथ टाइम, विथ इवोल्यूशन क्या हुआ हमारे अंदर, धीरे धीरे जैसे इनके पास क्या था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियाइड होते हैं, यहाँ पे आपने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे न्यूक्लियाइड होता है और इनका जो क्रोमोजोम होता है यही
जैसे इनका यहाँ पे क्रोमोसोम पड़ा हुआ है वैसे इनका भी यहाँ पे क्रोमोसोम पड़ा होता है, बट नॉट इन दैट स्टेट. ये सब हम पढ़ चुके हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं इनके पास, बैक्टीरियाज के पास, राइट. तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रिमिटिव स्टेट में भी उनका बायोकेमिकल पाथवे इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन बींग, ओके. तो वो जो डिफरेंस इन बायोकेमिकल पाथवेज है वो कैसे आया, वो ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यू टू टाइम, धीरे धीरे फीचर्स एक्यूमुलेट हुए क्योंकि हमारे से पहले फिशेज आई हैं, फिशेज से पहले क्या आए हैं, अर्थफॉर्म्स आए हैं, ठीक है. तो ये जो धीरे धीरे का जो इवोल्यूशन हुआ है तो उसमें हर एक टाइम के बाद चेंज आया है, वो चेंज एक्यूमुलेट हुआ है, हमने धीरे धीरे अडेप्ट किया है अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो ये जो सारे चेंजेस आए हैं उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवोल्यूशनरी अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत पहले आए हैं, यानी वो दे केम फर्स्ट, यानी ये पहले आए हैं, हम बाद में आए हैं. तो दैट्स हाउ हम इवोल्यूशन के फॉर्म में भी बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स या तो बहुत पहले वाले या फिर अभी वाले जो बाद में इवॉल्व हुए, ठीक है. तो ये भी एक बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का. जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को तो इट्स नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका न्यूक्लियस कैसा है, मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, या फिर वो खाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं. उसके बेसिस के अलावा भी हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी फोर्स की, इवोल्यूशनरी टॉक की. तो ये जो इवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिफाई हुए. जब एनिमल्स डाइवर्सिफाई हुए तो हम उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि कितने वेरिएंट्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे एनिमल्स के, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, जिस भी तरह के एनिमल्स हैं वो किस वैरायटी में प्रेजेंट है. तो जो वैरायटी होती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली बायोडाइवर्सिटी. तो सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्स एरिया है ऑन दिस अर्थ दैट बिलोंग्स टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो वो कौन से एरियाज होते हैं, वो ऑब्वियसली इंडिया तो है ही वन ऑफ देम. इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया. तो इस तरह की जो कंट्रीज है ना जो इन दोनों लाइंस के बीच में पड़ती हैं, वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वहां पे सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट्स भी हैं. तो वो सब चीजों के बारे में हम धीरे धीरे अपनी वीडियोज में डिस्कस करते रहेंगे. बट आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय.